तो फाइनली अपने पास है इंडिया का पहला स्मार्ट प्रोजेक्टर विद एडजस्टेबल लैम्प ब्राइटनेस, वो भी ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 9000 एलईडी ल्यूमेंस। और यही नहीं, इसमें आपको ऑटो की स्टोन का फीचर मिलता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ब्रांड न्यू PixPaq प्राइम। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले PixPaq पर थोड़ी लाइट डालते हैं। अभी तक हमने इनके 2 मॉडल रिव्यू किए हैं, PixPaq Ultra एंड PixPaq Pro। दे आर जस्ट अमेजिंग। बट विद दिस ब्रांड नोटिफाइड मी कि PixPaq अब जापान में भी रजिस्टर्ड है और आने वाले जितने भी इनके प्रोडक्ट होंगे वो सब जापान के स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग बनेंगे। बट कुछ पुरानी यादें, सो आई आस्क्ड देम सर्टिफिकेट किधर है, सो हियर इट इज। एंड PixPaq ने ये भी क्लियर किया है कि जितने भी इनके प्रोडक्ट है वो सब चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ये थी एज पर ब्रांड। तो अनबॉक्स करके दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। वेल आई एम नॉट अ दूधिया। भारी है। सबसे पहले प्रोजेक्टर और उसके ऊपर थैला, दुनिया हसीनों का मेला। अंदर ये सामान, ये हुआ खाली, बजाओ ताली। सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम कि कोई ब्रांड आपको एक्स्ट्रा फिल्टर दे रहा है, वो भी हाई डेंसिटी का। और ये 2 पैसिव 3D ग्लासेस, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, 3D की बहुत क्वेरी आ रही है। फिर एक पावर कोड, एक पैकेट जिसमें सबसे पहले IR बेस्ड रिमोट, बत्ती जल रही, एक HDMI केबल, एक 3.5mm टू RCA ओल्ड सेट टॉप बॉक्स के लिए, एंड आफ्टर ऑल एक यूजर मैनुअल, एंड एट लास्ट आफ्टर ऑल प्रोजेक्टर डस्ट क्लोथ, सॉफ्ट है, माइक्रोफाइबर क्लोथ, नाइस। तो इस सबको साइड करते हैं आराम से। फाइनली ये है अपना PixPaq प्राइम। तो इसके फ्रंट पे एक पन्नी लगी हुई है, हटाते हैं। वाओ, ग्लोसी फिनिश। और इस बार प्रोजेक्टर के साथ आपको हाई ग्रेड रबर लेंस कैप मिलती है, और ये है 3 इंच का ह्यूज फोकस लेंस। वेल इसका डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है, और इसका जो काला पेट है वो थोड़ा बाहर निकल गया, हमारा भी थोड़ा निकल गया। और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी विद हाई ABS प्लास्टिक, टिकटैक रिमूवेबल हाई डेंसिटी डस्ट फिल्टर। ऊपर की साइड कुछ फिजिकल कीज, सेंटर में PixPaq की ब्रांडिंग, एंड यहाँ कॉर्नर पे एक ढक्कन जिसके नीचे मक्खन जैसा फोकस डायल है। तो ये फोकस डायल थोड़ा मैकेनिकल फील देता है, और एक बार जहाँ पे अटका दिया महाथम फिर नहीं लेगा। वेल इसमें आपको मैनुअल की स्टोन का फीचर नहीं मिलता, लेकिन ऑटो की स्टोन के साथ 4D की स्टोन, वर्टिकल की स्टोन, हॉरिजॉन्टल की स्टोन, डिजिटल जूम और पता नहीं क्या क्या दिया है। नाउ बैक टू पवेलियन। ओ भाई क्या मस्त बड़ी स्क्रीन पे मैच चल रहा है। तो रियर पर एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, एक हेडफोन जैक, एक ऑडियो वीडियो पोर्ट, IR रिसीवर और एक छोटा सा पावर पोर्ट। और इसका पावर कंजम्पशन इज 160 वोट और लॉन्ग टर्म में नहीं होता हो, क्योंकि इसमें आपको एडवांस कूलिंग सिस्टम मिलता है विद ह्यूज हीट सिंक एंड हाई RPM इनटेक एंड एग्जॉस्ट फैन। तो इसको आप किसी भी एनवायरमेंट में चला सकते हो, एसी की जरूरत इसके साथ नहीं पड़ेगी। और जो 160 वोट का पावर कंजम्पशन है वो आता है 10th लेवल की पीक ब्राइटनेस पे। अगर आप इसको फर्स्ट लेवल पे चला रहे हो तो अराउंड 125 वोट की पावर कंजम्पशन रहती है। बॉटम पर डेस्क माउंट के लिए सेंटर में हाइट एडजस्टिंग स्क्रू दिया है, और ये भी काले काले स्क्रू वाले। दैट मीन सीलिंग माउंट करने पर आपको यही यूज करना है, अलग से कुछ नहीं चाहिए। वापस लगा दो, ये सही है, डस्ट से और ज्यादा जान बचेगी। तो ये तो थी कुछ बाहर की बातें, अब करते हैं अंदर की बातें। इसमें आपको 6.1 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसको PixPaq ने विविड सिनेमा इंजन टेक्नोलॉजी के साथ बाइंड किया है। ये प्रोजेक्टर आपको 5000:1 का FOFO कॉन्ट्रास्ट ऑफर करता है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी बजट सेगमेंट का प्रोजेक्टर 3000:1 स्टेटिक कॉन्ट्रास्ट से ऊपर नहीं जाता, और इसका भी जो स्टेटिक कॉन्ट्रास्ट है वो 2500 से 3000:1 के बीच ही है। इस प्रोजेक्टर में जो आपको विविड सिनेमा इंजन मिल रहा है उसके साथ जो कलर्स है वो काफी ज्यादा पंची और एक्यूरेटली दिखते हैं, अप टू 99%। प्लस ये प्रोजेक्टर शार्पनेस आपको काफी हैवी अमाउंट में ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको ऑफर किया गया है ऑन HDMI। ये प्रोजेक्टर मिनिमम 40 इंच और मैक्सिमम 350 इंच तक का स्क्रीन बनाता है। इसका जो थ्रो रेशो है वो है 1.2, दैट मींस 10 फीट। 10 फीट बोले तो 120 इंच की दूरी से ये 100 इंच का स्क्रीन बना देता है। इसका जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो है 1080p विद 60Hz रिफ्रेश रेट, और ये सपोर्ट करता है अप टू 4K 30Hz विद HDR। और यहाँ पे जो 4K 30Hz विद HDR का सपोर्ट है वो आपको HDMI और USB पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के साथ मिलता है। और ये प्रोजेक्टर USB पर अप टू 4 TB तक की हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी 4 TB की हार्ड डिस्क को इसके साथ कनेक्ट किया है USB पोर्ट के थ्रू, और जो मूवी मैंने प्ले की है वो है टाइटेनिक, ब्लू-रे प्रिंट है, डॉल्बी 5.1 प्लस HEVC H.265 एनकोडर प्लस DTS ऑडियो, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। और आप 4K वीडियोस भी यहाँ प्ले कर सकते हो। तो 32 GB की अब मैंने पेन ड्राइव लगाई है, जिसमें हम 4K वीडियो विद डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट के साथ प्ले कर रहे हैं। जस्ट आपको इसके ऐप स्टोर से BLC को डाउनलोड कर लेना है और कुछ भी चलाओ, मतलब कोई भी फॉर्मेट हो सबको ये सपोर्ट करता है। तो ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 के साथ आता है। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है, जिसके साथ आप अपने हेडफोन, स्पीकर, होम थिएटर या कोई भी ब्लूटूथ कैपेबल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट भी ब्लूटूथ वाले। प्रोसेसर इसमें MediaTek का 5862 विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स माली G31 के साथ मिलता है, और इसके ग्राफिक्स के साथ ही विविड सिनेमा इंजन टेक्नोलॉजी को बाइंड किया गया है। लेकिन हर प्रोजेक्टर की तरह इस प्रोजेक्टर में भी आपको वाइडवाइन L3 लाइसेंस ही मिलता है। दैट मीन्स आप कोई भी पेड OTT प्लेटफॉर्म देखते हो लाइक Amazon Prime, Netflix, Hotstar, Z5, वहां पे आप इनबिल्ट एंड्रॉइड पे 480p ही देख पाओगे। लेकिन अगर आप HDMI पर फायर टीवी स्टिक या कोई भी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, मी बॉक्स, रियलमी स्टिक यूज कर रहे हो तो आप 1080p प्लस 4K एट 30Hz HDR तक कंटेंट देख सकते हो। एंड पर्सनली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि इनबिल्ट एंड्रॉइड पे आप Netflix, Prime, Z5 ये सब देखो, सिर्फ और सिर्फ YouTube देख सकते हो कभी कभी, और वो भी आपको मैक्सिमम 1080p में ही देखने को मिलता है। तो 4K HDR के अगर मजे लेने हैं तो आपको इसके साथ सर्टिफाइड स्ट्रीमिंग डिवाइस बाइंड करना पड़ेगा, और देखो हमने कर लिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग डिवाइस हमने इसके साथ पेयर किया उसकी डिस्प्ले सेटिंग में शो हो रहा है कि ये 4K प्लस HDR सपोर्ट करता है। प्लस ये चीज आपको प्राइम एंड नेटफ्लिक्स में भी दिख जाती है कि ये कैपेबल है 4K और HDR कंटेंट को प्ले करने में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट हम अप्लाई करने वाले हैं वो है मोशन ब्लर टेस्ट। दैट मीन्स किसी फास्ट मूविंग सीन या फिर कोई स्मूथ ट्रांजिशन में फ्रेम ड्रॉप आता है या नहीं। एंड यू कैन सी कि जो स्मूथनेस मिल रही है वो एक नंबर है। एंड इवन फास्ट मूविंग सीन्स में भी कोई मोशन ब्लर यहाँ पे नहीं दिखाई देता। एंड स्लोमो वीडियोस के साथ आपको इस पर ब्रीथ टेकिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत ज्यादा स्मूथ। ब्रांड के अकॉर्डिंग इसकी जो लैंप लाइफ है वो है 40,000 आवर। एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि हर ब्रांड ज्यादा से ज्यादा बताता है। यहाँ पे मेन चीज है मेंटेनेंस। अगर आप वीकली इसको साफ कर रहे हो, डस्ट फिल्टर इसका चोक नहीं हो रहा है, तो 20,000 घंटे तो आराम से चल जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्टर में आपको पैसिव 3D मिलता है, क्योंकि आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि इन प्रोजेक्टर पे 3D कैसा चलता है वो बताओ। तो देखो 3D दो टाइप का होता है। एक्टिव जो हम अपने सिनेमा हॉल्स में देखते हैं उसमें कोई लाल नीले चश्मे नहीं होते, एकदम थोड़ा ब्लैक टाइप का, मतलब थोड़ा डार्क शेड का चश्मा होता है। और जो पैसिव होता है वो होता है ब्लू एंड रेड वाला। यूट्यूब पे आपको ब्लू एंड रेड वाला ही कंटेंट मिलेगा, जो कि एक नंबर का वाहियात है, क्योंकि पैसिव 3D के लिए जब आप इन चश्मों को लगाओगे तो आपके सर में दर्द, आंखों में चुभन, जलन और एक्सपीरियंस है एकदम महाबकवास। तो किसी भी बजट प्रोजेक्टर में आपको एक्टिव 3D नहीं मिलता, ये लाल नीले वाला पैसिव 3D मिलता है। अगर आपको एक्टिव 3D चाहिए अराउंड 60 से 70 हजार रुपए कम से कम खर्च करना होगा, एंड बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए तो अराउंड 1.5 लाख कम से कम। तो इन प्रोजेक्टर्स पे अगर 3D कंटेंट देखना है हल्का फुल्का देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इन पर बेसिक 2D कंटेंट देखने का अलग ही मजा है। इसके साथ आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं विद टोटल आउटपुट 10 वोट, प्लस इसमें डेडिकेटेड इक्वलाइजर मिल रहा है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स मिल रहे हैं। प्लस बेस एंड ट्रेबल को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर खून गरम है। अब यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपकी विंडोज से थोड़ी बहुत लाइटिंग आ रही है या रूम के अंदर हल्की फुल्की लाइटिंग है तो जो ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ है। 10th लेवल पे जो फैंस की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी नॉइज भी बढ़ती है, बट अगर वॉल्यूम आपने 20% पे रखी हुई है तो वो नॉइज नोटिसेबल नहीं है। एंड 10th लेवल पे जो ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ रहती है इवन इन थोड़ी बहुत लाइटिंग कंडीशन। ब्राइटनेस को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे 35 वोट का बड़ा बल्ब ऑन कर दिया है, जिसके साथ जो विजिबिलिटी है वो काफी बेटर मिल जाती है। बट प्रोजेक्टर्स को लाइटिंग कंडीशन में देखने के लिए नहीं बनाया जाता, तो जो डार्क इन्वायरमेंट है उसमें अलग ही मजा आता है। इसमें जो विविड सिनेमा इंजन मिल रहा है उसके साथ जो कलर्स है वो काफी ज्यादा पंची होने के साथ साथ एक्यूरेटली दिखते हैं। प्लस जो ब्लैक्स है वो प्रोजेक्टर के हिसाब से काफी ज्यादा एक्यूरेटली दिखते हैं, और यहाँ पे कोई भी व्हाइट शेड इनमें मिक्स होती नहीं दिखाई देती। मतलब ब्लैक काफी हद तक ब्लैक ही दिखता है, ग्रे नहीं दिखता। लेकिन जब मैंने इसको पहली बार यूज किया तो मुझे एक चीज खटकी कि यार शार्पनेस बहुत ज्यादा है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं आ रहा। देन आई फाउंड कि चाहे आप इनबिल्ट एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या कोई एक्सटर्नल सोर्स जिसमें HDMI, USB कुछ भी हो, वहां पे भी आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन मिल रहा है। तो मैंने शार्पनेस को घटा के 8 पे कर दिया और तब आया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 5 to 8 लेवल पे आप शार्पनेस रखो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और अगर आप इसको यूज करने वाले हो ऑफिस में तो आप 17-20 तक जितनी शार्पनेस रखना चाहो, क्योंकि जो टेक्स्टेबल कंटेंट या प्रेजेंटेशन फाइल्स है वहां पे शार्पनेस ज्यादा चाहिए। एंड आपके जो कॉन्फ्रेंस रूम में लाइटिंग होने वाली है उसके हिसाब से इसकी ब्राइटनेस मोर देन इनफ है। मतलब आप जो भी प्रेजेंट करने वाले हो या टेक्स्ट दिखाने वाले हो वो इजिली रीडेबल रहे। बाकी पिक्चर कस्टमाइजेशन में आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस प्लस कलर, टेम्परेचर सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करके एंजॉय कर सकते हो। प्लस 60 FPS का जितना भी कंटेंट है वो विदाउट एनी मोशन ब्लर प्ले होता है, स्मूथ। और जो इसका ऑटो की स्टोन है वो जायरो बेस्ड है एंड काफी एक्यूरेटली काम करता है। मतलब जैसे ही प्रोजेक्टर को आप ऊपर नीचे करोगे तुरंत से पिक्चर को अलाइन कर लेता है। और साउंड के लिए जो इसके इनबिल्ट स्पीकर है वो मोर देन इनफ है। लेकिन अगर एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसके साथ होम थिएटर यूज कर रहा हूँ, मजा तो तभी आता है। इसकी जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। एंड पिक्सपैक ने अपने 3rd मॉडल यानी कि पिक्सपैक प्राइम में भी पिक्चर क्वालिटी को काफी प्रायोरिटी दी है, एंड ड्यूरेबल तो ये है ही। अब मार्केट में कुछ ब्रांड कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये सेम प्रोजेक्टर उनके पास डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, ऐसा पहले भी हुआ है। सो कीप वन थिंग इन माइंड कि जो पिक्सपैक का प्रोजेक्टर है उसकी अबाउट सेटिंग्स में पिक्सपैक प्राइम मेंशन्ड है, और अगर आपको कोई भी ब्रांड डिफरेंट प्रोजेक्टर को पिक्सपैक के नाम से सेल करता है तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल तो तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार काफी कमेंट आए थे कि भाई हमने कहीं और से परचेज कर लिया पिक्सपैक का प्रोजेक्टर। तो पिक्सपैक के प्रोजेक्टर सिर्फ और सिर्फ pixpack.in और ddil.in पर अवेलेबल है, और वहीं से आपको पिक्सपैक प्रोजेक्टर्स के साथ 1 ईयर की डोरस्टेप वारंटी मिलती है। मतलब 1 साल के अंदर अगर आपके प्रोजेक्टर में कोई दिक्कत आती है तो आपके डोरस्टेप से उठाया जाएगा और 7 से 9 दिन के अंदर आपके घर पे वापस डिलीवर कर दिया जाएगा सर्विस करके, विदाउट एनी एक्स्ट्रा और हिडन कॉस्ट। एंड जहां तक मेरी नॉलेज है, पिक्सपैक बजट प्रोजेक्टर मार्केट में पहला ऐसा ब्रांड है जो आपको डोरस्टेप सर्विस देता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के और बिना चिक-चिक के। तो जो सर्विस को अवेल करने का लिंक प्लस ब्रांड का कस्टमर केयर नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, यानी कि प्राइसिंग। तो जो इसकी रेगुलर प्राइसिंग है वो है 28,999, लेकिन ये आपको 23,999 में मिल सकता है अगर आप प्रोमो कोड यूज करोगे HIFI, एक्स्ट्रा 5,000 का हो। तो पिक्सपैक प्राइम का परचेज एंड वारंटी अवेल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ब्रांड का कस्टमर केयर नंबर भी है। और वैसे तो इस ब्रांड की सर्विस कंप्लीटली रिलायबल है, लेकिन अगर आपको कोई भी वारंटी पीरियड में असिस्ट ना करे तो ईमेल आईडी इधर है, फिर हम देख लेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।